हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम साइप्रस अल्टरनिफोलियस यानी अम्ब्रेला पाम की प्रोपगेशन आपसे शेयर करेंगे। किस तरह से अम्ब्रेला पाम को आप बहुत आसानी से फ्री में तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा अम्ब्रेला पाम है जो कि हमने एक वेस्ट बकेट में ग्रो किया था, आपसे शेयर भी किया था। तब प्लांट में इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं थी और अब आप देख सकते हैं कि प्लांट ने कितनी अच्छी ग्रोथ की है। अम्ब्रेला पाम को लीफ से यानी पत्ती से बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है और जो इनके बेबी प्लांट्स होते हैं यानी कि ये जो साइड में छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं इनसे भी आप इनके नए पौधे तैयार कर सकते हैं। लेकिन लीफ से ग्रो करना बहुत ही आसान है और इस बकेट में कोई ड्रेनेज होल नहीं है, फिर भी देखिए प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी है। क्योंकि अम्ब्रेला पाम को ओवर मॉइस्चर से कोई इस पर निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है, ओवर मॉइस्चर में भी ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। तो जो इनकी लीव्स होती हैं इन्हीं में से ही नए पौधे तैयार हो जाते हैं। इसको कुछ दिन पानी में रखना होता है और वहीं से लीफ में से इनकी रूट्स बनकर तैयार हो जाती हैं। और इस प्लांट को कोई खास रिक्वायरमेंट भी नहीं है यानी कि फर्टिलाइज़र की, पानी की या धूप की, सेमी शेड में आसानी से ग्रो हो जाता है। तो इसकी एक लीफ हम कट कर लेते हैं और उसको 28 अप्रैल को यानी 28 अप्रैल को हमने कट किया था और इसको पानी में रखा था। एक कप में पानी लीजिए या वेस्ट बॉटल में भी आप ले सकते हैं और उसमें थोड़ी सी मिट्टी हमने इसलिए डाली थी, अगर रूट्स ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी तो मिट्टी से पोषण मिलता रहेगा। मान लीजिए हमने बहुत दिन तक ये अगर चेक नहीं किया तो इसीलिए हमने एक लेयर मिट्टी की बनाई थी, लेकिन ये ऑप्शनल है, मिट्टी मिलाना ज़रूरी नहीं है, केवल पानी में ही ये बहुत अच्छे से ग्रोथ कर लेता है। तो लीफ को कट करने के बाद कुछ इस तरह से पानी में रख देना है इसको उल्टा करके और वहीं से ही इसमें रूट्स बन जाएंगी और नए प्लांट्स बनकर तैयार होंगे। तो 12 दिन के बाद आप देख सकते हैं 28 अप्रैल को हमने ये जो पत्ती है पानी में रखी थी और 12 दिन के बाद आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी रूट्स बन चुकी हैं और इसमें छोटे छोटे कई सारे प्लांट्स बनकर तैयार हो रहे हैं। तो इस तरह से आप एक लीफ से इतने सारे प्लांट्स बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो अभी हमने 12 दिन के बाद ही ये देख लिया है, आप ज़्यादा दिन के लिए भी इसको रख सकते हैं तो ये प्लांट्स जो हैं और बड़े हो जाएंगे, तब आप इसको मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह की केवल 12 दिन की रूट्स हैं और रेनी सीजन में तो केवल आपको 5 दिन में ही इसमें रिजल्ट मिल जाता है। और ये काम आप किसी भी मौसम में कर सकते हैं यानी स्प्रिंग सीजन में, समर सीजन में, रेनी सीजन में, किसी भी मौसम में इस लीफ से आप नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं अम्ब्रेला पाम के। सर्दियों में आपको थोड़ा लेट रिजल्ट मिलेगा क्योंकि सर्दियों में ये प्लांट स्लो ग्रोथ करता है, बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं करता है, लेकिन आपको थोड़े ज़्यादा दिन के बाद उसमें रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन किसी भी मौसम में आप ट्राई कीजिए, आपको 100% रिजल्ट मिलता है। तो इस तरह से कोई भी ग्रीन लीफ आप कट कर लीजिए, उसको पानी में रखना है और ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर ब्राइट लाइट आती हो, यानी अंधेरी जगह पर थोड़ा स्लो ग्रोथ होती है तो वो सही नहीं है। जहाँ पर ब्राइट लाइट यानी कि रोशनी आती हो वहाँ पर आप इसको रखिएगा। विंडो पर रख सकते हैं तो विंडो पर भी अच्छी लाइट मिल जाती है तो वहाँ पर भी ये जल्दी ग्रोथ कर लेगा। डायरेक्ट सनलाइट में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर प्लांट ग्रो करते हैं तो प्लांट के लिए हमने वीडियो शेयर किया हुआ है क्या क्या उसकी केयर करनी है, वैसे इसके लिए आप हल्की नमी बनाकर रखिए। बहुत ज़्यादा सूखा प्लांट को पसंद नहीं है, ओवर मॉइस्चर यानी ज़्यादा नमी हो जाएगी तो भी प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा, बस उसको सूखी मिट्टी पसंद नहीं है। तो इस तरह से आप नॉर्मल सॉइल में थोड़ा सा काउडंग या वर्मी कंपोस्ट मिलाकर सॉइल मिक्सचर तैयार कर लीजिए और जो लीव से आपने प्लांट तैयार किया है उसको कुछ इस तरह से लगा दीजिए। तो अभी प्लांट्स छोटे हैं इसलिए आपको नहीं दिखाई देंगे, आप प्लांट्स के थोड़े बड़े होने पर भी उसको मिट्टी में शिफ्ट कर सकते हैं। हल्की नमी बनाकर रखिएगा तो जल्दी ग्रोथ स्टार्ट होगी क्योंकि नमी इस प्लांट को पसंद है। सेमी शेड में प्लांट को रखेंगे बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। डायरेक्ट अगर सनलाइट में आप फुल डे रखते हैं तो लीव्स थोड़ी फेड हो जाती हैं यानी कि उनका जो ग्रीन कलर है वो थोड़ा हल्का पड़ जाता है, इसीलिए सेमी शेड प्लांट को पसंद है। सेमी शेड में आप प्लांट को रखेंगे तो अच्छी ग्रोथ होगी। फर्टिलाइज़र की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने बस एक बार पॉटिंग मिक्स में ऐड किया था फर्टिलाइज़र बस, और उसके बाद हमने कोई फर्टिलाइज़र प्लांट को नहीं दिया था और उसी में ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर पूछें, हम जल्दी से जल्दी आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।